सैकड़ों साल से जो है चले आ रही, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेंगलुरु में आल कन्नड़ मिलाद और जुलूस रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी की जानिब से रियासती सतह का बड़े ही शानदार पैमाने पर जो है जुलूस और जलसा जो है मुनक़द हुआ हो आ रहा है। लेकिन इस साल 2020 का जो है जलसा मिलाद का जलसा कोरोना की जो है वबा की खातिर, कोरोना की बीमारी की खातिर जो है हुकूमत कर्नाटक के रहनुमाई उसूल के तहत जो है हम लोगों ने जो है कई तब्दीलियाँ की हैं। जलसे तो मुनक़द हो रहे हैं मगर इजतमाई तौर पर जो है जहाँ पर जो है लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जमा ना हो उसे मौकूफ़ करके जो है उसी को जो है हम दूसरी शक्ल में जो है हम जो है तब्दील कर रहे हैं। सबसे अहम है आल कन्नड़ मिलाद कमेटी की ने जो हमने जो ये तय किया है कि इस साल जो है जहाँ जहाँ से हमारा जुलूस आया करता था उस इलाके की मस्जिद में माशाल्लाह जो है इंशाल्लाह मिलाद पाक के जलसे मुनक़द करेंगे। लेकिन एक इजतमाई तौर पर भी यहाँ पर जलसा होगा जुमे के दिन बाद नमाज इशा हज़रत कम्बलपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है मस्जिद में जो इंशाल्लाह ताला वहाँ इजतमाई जो है जलसा मस्जिद के अंदर जो है मुनक़द होगा। इसके साथ साथ जो है सैकड़ों मसाजिद में जो है हमारे जो है मिलाद पाक के जलसे मुनक़द होंगे। नंबर तीन जो है इस मरतबा हम लोगों ने जो है दो रोज़ा जो है कार्रवाई हमने रखी है, बरोज़े जुमेरात मगरिब के बाद जो है मगरिब के बाद इशा के बाद माशाल्लाह कई मसाजिद में पूरी शब गुजारी का अहतमाम किया गया है और पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे कई दीनी मजालिस हमने मुनक़द किया है। इसमें खुसूसन जो है नाते पाक की जो है मजलिस मुनक़द की जाएगी, ज़िक्र इलाही के मजालिस, दरूद व सलाम के जो है मजालिस जो है हम लोग जो है पूरी रात इबादत वगैरह के लिए जो है मसाजिद जो है खुले रखे जाएंगे। इस मरतबा पहली मरतबा जो है 12 रबीउल की शब में जो है माशाल्लाह जो हम लोगों ने जो है मसाजिद को खुला रखेंगे और मसाजिद में इबादतें वगैरह जो है मुनक़द किया जाएगा। और दूसरे दिन जुम्मा के दिन जो है हम लोगों ने हमारा आल कन्नड़ मिलाद कमेटी की जानिब से हमने ये तय किया है कि हमने फलाही कामों को जो है नौजवान जो जुलूस वगैरह में जो है शिरकत फरमाया करते थे हमने उनको जो है एक ज़िम्मेदारी जो है चंद ज़िम्मेदारी हमने दी है। एक मोहल्ले में शजरकारी हो, दरख्त वगैरह लगाया जाए, नंबर एक। नंबर दो जो है गरीब और मोहताज लोगों को जो है राशन किट की जो है तकसीम है और गरीब वही ऐसे अहबाब जिनको जो है बीमारी की वजह से या दूसरी बीमारी की वजह से दवाई वगैरह का जो है इंशाल्लाह ताला उन लोगों को सप्लाई किया जाएगा और हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है 12वीं की निस्बत से जो है हमने जो है यहाँ पर जो है 12,000 इंशाल्लाह ताला जो है दरख्त जो है हम जो है तकसीम करेंगे। वो मस्जिद के इलाके के लोग आएँ और जो है दरख्त ले जाकर जो है अपने अपने मोहल्ले में जो है रोड वगैरह में जो है जहाँ दरख्त लगाएँ। और तीसरी जो है हम लोगों ने जो है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है तमाम मज़ाहिब से जो है उल्फत वगैरह के सिलसिले में जो हदीस पाक जो है आई इनको जो है हम दूसरी ज़बानों में इंशाल्लाह तर्जुमा करा कर प्रिंट करा कर जो है अपने मज़ाहिब में और दूसरे मज़ाहिब में जो है इंशाल्लाह ताला जो है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है किताबों की शक्ल किताबजे की शक्ल में जो है मुहैया करें। और दूसरे दिन जो है पहले जुमा के दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद में जो है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत का अहतमाम किया रखा गया है। और मगरिब के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम होंगे, जुमा के दिन मगरिब के बाद प्रोग्राम होंगे और कई मसाजिद में जो है बाद मगरिब जो है प्रोग्राम होंगे और इशा की नमाज के बाद मस्जिद हज़रत कम्बलपोश रहमतुल्लाहि ताला इज्तमाई जो है वहाँ पर जो है जलसा होगा। और दूसरे कई मसाजिद में विजयपुर से लेते हुए हम लोग जो है माशाल्लाह रजाक साहब पड़िया देवनहली और ट्यानी रोड के जो है कई मसाजिद और इस तरफ जो है हेबाल थनी संद्रा इन इलाकों में, इधर जो है विजनापुरा और के आरपुरम इन इलाकों में माशाल्लाह ट्यानी रोड के इलाकों में माशाल्लाह जो है इस मरतबा जो है पीस जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और अमन व अमान और मज़ाहिब में जा बाहिमी इत्तहाद के जो है सिलसिले में इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो इस मौजू पर इंशाल्लाह ताला हम जो प्रोग्राम जो है रख रहे हैं ताकि जो है इस्लाम के मुताल्लुक और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ज़ात तैयबा के मुताल्लुक जो है जिस तरह से जो है
लोगों में कन्फ्यूजन हिंदुस्तान में हो या बैरूनी हिंदुस्तान में हो, हम चाहते हैं कि जो है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों को जो है किस तरह मदु किया, किस तरह इज़्ज़त अफजाई उनकी की, किस तरह उनका जो है इस्तकबाल किया, ये जो है हम लोग जो है दूसरों के पास हम लोग बताना चाहते हैं। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं इस कमेटी में जो है इस पोस्ट की ले सकूँ ज़िम्मेदारी, फिर भी जो है अल्लाह ताला का एहसान है और जो है ये हमारे सरकार का नज़र व करम है। साथों साथ जो है मैं हमारे तमाम कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट के लिए जो है चुना है और समझा कि मैं इस पोस्ट के लायक हूँ। और ये साथों साथ हमारे वालिद का जो है बड़ा एहसान है कि उन्हीं की दुआ के बदौलत ये जो है उनका पोस्ट आज मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। इंशाल्लाह इस पोस्ट की जितनी ज़िम्मेदारी है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अंजाम दें। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कई सौ साल से हम लोग मिलाद का जलसा मनाते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ये प्रोग्राम ता क़यामत तक जो है जुलूस से ता क़यामत तक ये प्रोग्राम जो है चलता रहेगा। ये कायनात बनी सरकार के सदक़े में और ये हम लोग जो है इस दिन को हमेशा मनाते रहेंगे। और जैसे कि इस साल कोरोना की वबा के वजह से हम लोग एक पूरे लोगों को जमा कर तादाद में काफ़ी तादाद में नहीं कर सकते हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग जो है गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह इस तरीके से प्रोग्राम को अंजाम देकर हैं कि हर मसाजिद में प्रोग्राम हो, हर मसाजिद में इंशाल्लाह बयान होगा, हर मसाजिद में ज़िक्र की महफिल होगी, हर मसाजिद में जो है काफ़ी सारे लोग शिरकत फरमाएंगे। और हमारी उनसे गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें, सैनिटाइज़र को सैनिटाइजेशन का मस्जिद कमेटी से इंतज़ाम होगा उसको भी फॉलो करें और इंशाल्लाह पूरे गाइडलाइंस के साथ हम लोग जो है हर मसाजिद में प्रोग्राम करने का गुजारिश करते हैं। और साथों साथ हमारे इस कमेटी से जो है कई मोहल्ले में प्रोग्राम का इंतज़ाम है और बिलखसूस जो है प्रोग्राम कम्बल हज़रत कम्बल पोश दरगाह में इंतज़ाम है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों की शिरकत होगी। और हमारी कमेटी से जैसे कि हमारे अभी सदर साहब ने फरमाया कि हम लोग जो है झाड़ें लगाने का प्रोग्राम करके हैं और साथों साथ दवाई फ्री दवाई तकसीम करने का भी प्रोग्राम है और साथों साथ जो है ज़रूरतमंदों को जो है खाने का भी इंतज़ाम है। तो इंशाल्लाह इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जी आल कर्नाटका मिलाद और जुलूस रहमतुल आलम कमेटी से पूरे आलम को जो है मिलाद की तहे दिल से मुबारकबादी पहले पेश कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जो है हमारा जो हसब मामूल ये रहा था कि एलंगा से हमारा बेलहली से सातनूर से सब जल से वहाँ से जुलूस आते थे तो जुलूस जो निकलते हुए फाइनल जो है टैनी रोड नागवार रोड से अरबी कॉलेज से आते हुए तो आशूर खाने ज़ैनबिया पे आके ठहर जाता। तो उसके बाद जो है वहाँ पर अलम कुशाही होती तो अलम कुशाही के बाद जुलूस का जो है आगाज़ होता वहाँ से। तो उसके बाद जो हम लोग पूरे शहर से शहरों से गुज़रते हुए हज़रत कम्बल पोश दरगाह की सर्कल में जो है जलसा होता था, बड़ा जो मेन रोड है बड़ा मैदान बना के उसको उसमें जो है जलसा का मुनक़द करते थे हम। तो उसकी अब इस वबा के वजह से ये प्रोग्राम को जो है मस्जिद में शिफ्ट कर दिए हैं और जो मस्जिद जो है हज़रत कम्बल पोश दरगाह की जो मस्जिद है तो उसी मस्जिद के अंदर प्रोग्राम रहेगा, ईशा से शुरू होगा प्रोग्राम। इससे पहले मस्जिद सैयदा में होगा, फिर मस्जिद खमर में होगा और पूरा दिन का मुसलसल प्रोग्राम है। तो मस्जिद वेस्ट करनी में है प्रोग्राम, ऐसा हमारे जहां तक कंट्रोल है कमेटी का जहां तक है वहां पर सब जगह जो है मस्जिदों को सजाने का प्रोग्राम बनाया है और लाइटिंग कराना और साथ साथ जो है अंदर फूल से एक फूल सजाना और पूरे जितने दरगाहों का हमारे जहाँ तक हमारे पूरे कमेटी के मेंबर्स हैं सब वो जो कमेटी के अलग अलग डिविजन्स में जो है हमारे दरगाहें कंट्रोल कर रहे हैं और मस्जिदें में जिम्मेदारियां हैं सबके। तो हर मस्जिद के अंदर सजाना फूल से सजाना लाइटिंग कराना ये सब जो है ये तय कर किया गया है। लखों में होती थी लेकिन इस बार तहे दिल से अफसोस और रंजिश के साथ कहना पड़ रहा है कि जो है बहुत मुख्तसर सा कर रहे हैं हम लोग। ये जो सरपरस्ती इस मिलाद की हर साल
اسماعیل شریف رانا صاحب جو لے رہے تھے ان کو بھی بہت افسوس ہے, ہماری پوری کمیٹی کو افسوس ہے. ہر مسجدوں کے اندر ڈسٹینس مینٹیننس کر کے جو ہے منعقد کریں گے انشاءاللہ, اور حکومت کا جو بھی فرمان ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے.